मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा है और कहा है कि वहां पर कुछ काम नहीं होता, फिर सिर्फ चर्चा होती है। वही हम लोग काम करते हैं तो माना जाता है कि यहां सब बेकार है, पर सबको पता है कि बिहार कितना आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने लोगों को आह्वान किया कि आपस में झगड़ा नहीं करें, प्रेम से सभी एक साथ रहे। यह भी आह्वान किया कि यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, पर बिहार की तरक्की के लिए सभी एक साथ काम करें। मुख्यमंत्री ने बिहार के 111वें स्थापना दिवस पर गांधी मैदान में आयोजित समारोह का उद्घाटन करने के बाद अपनी बात रख रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार ऐतिहासिक स्थल है, इसे फिर से उस स्थल पर हम लोग आगे बढ़ा देना चाहते हैं ताकि बिहार अपना वह गौरव हासिल करे। बिहार दिवस मनाने की लक्ष्य यही है कि पुराने जमाने में मुख्य जगह बिहारी था, हम लोग फिर से इसे आगे बढ़ाकर नई जगह पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। बिहार की वर्ष 2009 से ही लगातार विकास दर अधिक रही है। प्रति व्यक्ति आय देश का 1.5 लाख है, वही बिहार का मात्र 54,383 है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो यह और तेज गति से तरक्की करता। यही कारण है कि हम लोग केंद्र सरकार से निरंतर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं। गरीबियों के लिए विशेष योजनाएं बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में हम लोग जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, इसमें हर व्यक्ति की गणना के साथ उसकी आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी होगा ताकि यह पता चले कि किस व्यक्ति की क्या आर्थिक हालात है। इसके बाद गरीबों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनेंगी, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हम लोगों ने जातीय गणना कराने का आग्रह किया था, पर उन लोगों ने इसे कराने से इनकार कर दिया।